हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के एनालिसिस के बारे में, और साथ ही में पांच इंट्राडे स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट्स साथ ही मैं कभी कभी लाइव ट्रेड्स भी प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। तो निफ्टी 50 ट्रेडर्स आज गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूअस हम लोग को इसमें सेलिंग नजर आया। जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि निफ्टी 50 के अंदर 17,600 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, तो वहीं आज हम लोगों को देखने के लिए मिला। जैसे ही ये अपने इस लेवल्स का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक परफेक्ट रीटेस्ट भी लेने के लिए गया और फिर से हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूअस सेलिंग होते हुए नजर आया। तो अब ट्रेडर्स बात करें कल के लिए, तो निफ्टी 50 जो है वो अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर पहुँच चुका है। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता है, यहीं पर से सपोर्ट लेकर के अपसाइड मोमेंटम देने का ट्राई करता है, तो कल अगर ये 17,530 के ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें एक छोटा सा बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 17,600 के लेवल्स के लिए। और अगर इसको भी तोड़ता है तो हम लोग का जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 17,700 के अप्रॉक्स में। और अगर ये लेवल्स पर सस्टेन नहीं करता है और इसको भी कल निफ्टी 50 तोड़ देता है, यानी कि 17,470 का जो लेवल्स है अगर कल ये टूट जाता है, तो हम लोग इजीली इसमें 70 पॉइंट्स का सेल साइड का ट्रेड देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,400 का और हम लोग का जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 17,350 के अप्रॉक्स में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तो निफ्टी बैंक में भी ट्रेडर्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत किया था, वैसा ही आज देखने के लिए मिला। आज ये गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 38,650 का जो लेवल है अगर ये तोड़ देता है तो हम लोग को इसमें एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है। आज वही चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिला और हमारा जो टारगेट था उसको ये अचीव किया। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि निफ्टी बैंक के अंदर आप लोगों ने आज कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। वहीं पर बात करें कल के लिए निफ्टी बैंक के एनालिसिस के ऊपर, तो अगर ये निफ्टी बैंक आज का लो यानी कि 38,250 के लेवल्स को तोड़ देता है तो हम लोग को इजीली इसमें 100 पॉइंट्स का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 38,150 का, और अगर यहाँ पर भी ये सस्टेन नहीं कर पाता और इस लेवल्स को तोड़ता है तब हम लोग इजिली कल निफ्टी बैंक के अंदर 38,000 के भी लेवल्स को देख सकते हैं। और अगर बात करें अपसाइड लेवल्स का, तो अगर निफ्टी बैंक 38,400 के लेवल्स को तोड़ देता है तो हम लोग को इसमें एक अच्छा खासा बाइंग होते हुए भी नज़र आ सकता है और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो होगा 38,650 के अराउंड में, क्योंकि बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को कोई भी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो ट्रेडर्स अब बात करते हैं हम लोग पांच इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसे आप लोग कल अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो कल के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेन एंड पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल इसमें हम लोग को आदर साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल इस पेन एंड का ब्रेकआउट आता है यानी कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 1030 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1039 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1027 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर ये अपने इस पेन एंड का ब्रेकडाउन देता है अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 1016 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1006 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1020 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। और कल के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल अगर ये अपने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है यानी कि अपनी सपोर्ट को तोड़ देता है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, तो उस केस में हम लोग इसे सेल करेंगे 1573 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1560 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1577 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। ट्रेडर्स कल इन्फोसिस के अंदर कोई भी बाई ट्रेड नहीं है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही ये 1595 के लेवल्स को तोड़ देता है वैसे ही हम लोग को इसमें एक बाई ट्रेड मिल सकता है, लेकिन 1596 के ऊपर 1600 तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ 1604 भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में ट्रेडर्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हर 4 पॉइंट पर हम लोग को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, तो इसके कारण हम लोगों को इस ट्रेड के अंदर अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल पाएगा और इसीलिए इन्फोसिस के अंदर बाई साइड में कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं है,
क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के साथ वैसे ही इंट्राडे ट्रेड की एनालिसिस शेयर करता हूँ जिसमें हम लोग को कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो। कल के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है SCL टेक। SCL टेक में ट्रेडर्स बहुत ही शानदार यहाँ पर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ये पिछले 28 जुलाई से इसी रेंज में अपने आप को एकोमुलेट करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूव इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर कल ये अपने इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दे देता है यानी कि ये अपने इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 9.55 पर। हमारा टारगेट रहेगा 9.46 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 9.58 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर कल ये भी हो सकता है कि ये फिर से अपने इसी जोन में सपोर्ट लेकर के अपसाइड में मोमेंटम दे दे तो उस केस में हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 9.71 पर। हमारा टारगेट रहेगा 9.80 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 9.68 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और ट्रेडर्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SCL टेक के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम में भी हम लोग को एक बहुत ही शानदार रेंज बनते हुए नजर आ रहा है। तो SCL टेक के अंदर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से एक्युमुलेट होते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए कल अगर इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम लोग को इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। हमारा टारगेट है 9.46 का, लेकिन अगर निफ्टी कल भी इसी तरह का बियरिश मूव दिखाती है तो हम लोग इसमें इजीली 940 और 938 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जैसे ही आप लोगों को 946 का टारगेट अचीव हो तो कम से कम आप लोग अपना हाफ क्वांटिटी जरूर बुक कर लीजिएगा। कल के लिए मेरा चौथा इंट्राडे स्टॉक है SBI कार्ड। SBI कार्ड में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर कल इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए तो हम लोग इससे बाई कर सकते हैं 908 पर। हमारा टारगेट रहेगा 917 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 905 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और कल अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ देती है तो हम लोग इसे सेल करेंगे 899 पर। हमारा टारगेट रहेगा 890 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 902 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और कल के लिए मेरा पांचवा इंट्राडे स्टॉक है PVR। PVR में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो कल इसमें भी हम लोग को आइदर साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल इस पेनेंट का ब्रेकआउट आता है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 1803 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1818 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1798 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और कल अगर इस पेनेंट का ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड में तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 1777 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1761 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1782 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स ये पांच इंट्राडे स्टॉक्स आप लोग कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और ट्रेडर्स जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि मैं आप लोगों को एक 500 के नीचे का भी स्टॉक्स प्रोवाइड करूंगा अगले एक हफ्ता के लिए, हम लोग उसको अपने रडार पर रखेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कैसा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए कल के लिए आप पावर ग्रिड को भी अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इसमें भी ट्रेडर्स हम लोग को एक बहुत ही शानदार रिवर्स कप और हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। साथ ही में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर कल ये अपने इस लेवल्स को तोड़ देता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 225.4 पर। हमारा टारगेट रहेगा 223 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 226.2 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को आज के इंट्राडे सेशन के लिए प्रोवाइड किया था। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन सारे स्टॉक्स के अंदर कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। ट्रेडर्स आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि इससे मुझको मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और भी अच्छे इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाने के लिए। आइए बात करते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आज के लिए हम लोग का सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था MTAR। MTAR में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेनिंग पैटर्न बनते हुए नजर आया था। हम लोग को इसे सेल करना था 1596 पर। हम लोग देख सकते हैं कि ये आज ओपन हुआ था 1599 के अराउंड में और उसके बाद हमारा टारगेट था इसके अंदर 1580 का और ये लो बनाया है लगभग 1570 के अराउंड में। तो आई होप आप लोगों ने आज इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। और इसी के साथ हम लोग को इसमें बाई साइड में भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला। हम लोग को इसे बाई करना था 1626 पर, यानी कि यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद, और हमारा टारगेट था इसमें 1644 का और हम लोग देख सकते हैं कि ये हाई बनाया है एग्जैक्टली 1644 का, यानी कि जहाँ पर हमारा लेवल्स था एग्जैक्टली ये उतना का ही आज हाई बनाया है। अगर एक साइड का ट्रेड आप लोगों से मिस भी हो गया होगा तो एक साइड तो जरूर ही आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज इसके अंदर कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था।
आज के लिए हम लोग का दूसरा इंट्राडे स्टॉक था इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ट्रेडर्स आज हम लोग देख सकते हैं 4300 के आसपास में ओपन हुआ था। उसके बाद हम लोग को इसे सेल करना था 4259 पर, यानी कि यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद, और हमारा टारगेट था इसके अंदर 4225 का, लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि ये आज लो बनाया है एग्जैक्टली 4100 के आसपास में। ट्रेडर्स इंडिया मार्ट भी आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। आई होप आप लोगों ने आज इसे भी मिस नहीं किया होगा। आज के लिए हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक था HDFC, और जैसा कि मैंने आप सभी से बात किया था कि HDFC के अंदर चैनल पैटर्न बन रहा है और हम लोग को ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकडाउन देखने के लिए मिले, तो वहीं आज देखने के लिए मिला। आज ये गैप अप ओपन हुआ था, फिर ये जाकर के हमारे लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए गया, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग को एक शानदार फॉल मिलते हुए नजर आया। तो अगर आप लोगों से HDFC बैंक का ट्रेड मिस भी हो गया होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग को हर एक ट्रेड कैच नहीं करना होता है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि HDFC के अंदर हम लोग को एक परफेक्ट ट्रेड भी नहीं मिल रहा था। और आज के लिए हमारा चौथा इंट्राडे स्टॉक था TCS। TCS में ट्रेडर्स आज हम लोगों को कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला था ओपनिंग आवर्स में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला था 10:30 के अप्रॉक्स में, लेकिन इसके बाद इसके अंदर हमारा जो SL था वो हिट कर गया था। तो TCS ट्रेडर्स आज हमारे लिए लूजिंग इंट्राडे स्टॉक रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने TCS के अंदर कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। वहीं पर बात करें आज के लिए हमारे आखिरी इंट्राडे स्टॉक यानी कि अंबुजा सीमेंट्स का, तो इसके अंदर भी ट्रेडर्स आज हम लोग को स्टॉपलस हिट हुआ है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बता दिया कि अभी जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को 500 के नीचे की सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप ही लोगों को रिक्वेस्ट के ऊपर है, और मैं खुद 500 के नीचे के स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेड में शामिल नहीं करता था इससे पहले। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया है पिछले वीडियो से, तो हम लोग एक वीक तक इसके ऊपर नज़र बना करके रखने वाले हैं इन सब तरह के स्टॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट में यहाँ पर हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए तो मिला था, लेकिन उसके बाद ये हमारे स्टॉपलॉस को हिट कर गया था। फिर 12:30 के आसपास में हम लोग को इसमें एक और सेल करने का मौका तो जरूर मिला था, लेकिन यही मूव अगर पहले मिला हुआ रहता तो आज ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहता। खैर आज हम लोग का इसमें स्टॉपलॉस हिट हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज इसके अंदर ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।